Hello and good morning to YET family, to all my lovely viewers. I'm your host Aman, और आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल में. RCEP नेक्स्ट स्टेप इकोनॉमिक एडिटोरियल है. फर्स्ट वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए फर्स्ट वाले को हम नहीं ले रहे हैं. फर्स्ट वाला नेशनल हेल्थ इंडेक्स पॉलिसी, जो भी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की है हेल्थ इंडस्ट्री पे, उसके ऊपर बेस्ड है. आप कोशिश करें खुद पढ़ने की. कुछ उसके सेंटेंसेस जो आपको समझ में नहीं आते हैं, हर रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में डालें. एक या दो व्यूअर्स डाल रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई भी कर रहा हूँ. तो कोई भी सेंटेंस फर्स्ट एडिटोरियल का, जिस एडिटोरियल को हम कवर नहीं कर रहे हैं उसका, आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक उसको डालें. मैं उसको आपको हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके समझा करके कोशिश करूँगा समझाने की. चलिए शुरू करते हैं दूसरे वाले एडिटोरियल को. इट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल बिजनेस. बहुत अच्छा है जीके के हिसाब से भी, जनरल बिजनेस के हिसाब से भी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऐसे एग्जाम्स के अंदर आपने ऐसे जो है आसियान के ऊपर, आरसीपी के ऊपर बड़े पैसेजेस आपने देखे हैं, और आज वाला अपना एडिटोरियल भी इसी तरह का है कुछ कुछ. चलिए थोड़ा सा जूम कर लें इसको. आरसीपी नेक्स्ट स्टेप्स. देखिए नेक्स्ट स्टेप्स अगले कदम किसके, आरसीईपी के. मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं. आरसीपी क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है. कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? डिटेल्ड. रीजनल आप जानते हैं, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और पार्टनरशिप मतलब साझेदारी. मतलब ये फाइनेंशियल साझेदारी हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, और जो पार्टनरशिप है वो बड़ी डिटेल्ड है और है रीजनल, किसी एक रीजन से रिलेटेड है. जैसे कि मान लो एशियन जो कंट्रीज है उनके बीच की साझेदारी है ऐसी. तो आरसीईपी एक्चुअल में क्या है? आपने आसियान सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस. तो ये आसियान के अंदर 10 मेंबर्स हैं. इसके बाद इसके पास 6 एक्सटेंडेड मेंबर्स भी हैं, जिसमें इंडिया भी एक है. इन 10 और 6, 16 के बीच में एक फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट होना चाह रहे हैं सबके सब लोग मिल करके. इसको बोलते हैं आरसीईपी, और ये इन प्रोसेस है, पाइपलाइन में है. अब ये देख रहा है कि आगे के स्टेप्स क्या हैं, आरसीईपी को पूरा कैसे बनाना है. तो कह रहा है इंडिया नहीं कर सकता है. अफोर्ड आप जानते हैं ना, अफोर्ड करना, किसी चीज़ को आप बर्दाश्त करते हो. किसी चीज़ का जो खर्च है, किसी चीज़ से जो होने वाला नुकसान है, नफ़ा है, उसको आप बर्दाश्त करते हो ना, इसको कहते हैं अफोर्ड करना. जैसे कि मैं बोलूँ आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार, आई कैन नॉट अफोर्ड हैविंग अ कार, तो ये चीज़ें हैं ना, इनको बोलते हैं अफोर्ड करना. अब आपको मैं छोटी सी कंडीशन बताता हूँ, अफोर्ड के साथ में आपको कैसे प्रीपोजिशन को यूज़ करना है. देखिए अफोर्ड जो है ना, उसके साथ में जनरली आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हो टू, और तब करते हो जब अफोर्ड के साथ में आप वर्ब यूज़ करते हो. अगर आप अफोर्ड के साथ में कोई एक्शन कर रहे हो ना, तो आप यूज़ करोगे प्रीपोजिशन टू. और अगर आप अफोर्ड के साथ में कोई नाउन यूज़ कर रहे हो, तो आपको कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करनी है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई कैन नॉट अफोर्ड ए कार, ये फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता. तो यहाँ पे मैंने क्या अफोर्ड नाउन कर रहा हूँ, मैं यहाँ नाउन को अफोर्ड करने की बात कर रहा हूँ, कार को. तो कार एक नाउन है, तो मैंने कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया. तो मैं आई कैन नॉट अफोर्ड टू ए कार नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार. अभी मैं यहाँ इसकी जगह, नाउन की जगह एक एक्शन डाल दूँ, हैव अ कार, एक कार को रखना. आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ कार. देखिए सेकेंड सेंटेंस के अंदर यहाँ पे मैंने वर्ब फॉर्म बनाई है, तो वर्ब फॉर्म में मैंने टू प्रीपोजिशन ऐड कर दिया है. हालांकि ये टू जो प्रीपोजिशन है वो इन्फिनिटिव है, बट इन्फिनिटिव इज़ अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. फिर किसी वीडियो में हम अलग से डिस्कस करना पड़ेगा हमें. अभी आप प्रीपोजिशन टू समझ लें, यहाँ पे मैंने एक्शन हुआ है, यहाँ पे एक वर्ब आई है, तो टू प्रीपोजिशन लगाया. अगर मैं इसको जेरंड फॉर्म बना दूं, जेरंड क्या होता है, जब वर्ब्स के आगे आप आईएनजी लगा देते हो ना, उनको नाउन बना देते हो, तो ये जेरंड फॉर्म नाउन फॉर्म बन जाएगी. मैं बोल दूं आई कैन नॉट अफोर्ड हैविंग अ कार, अब हैव से मैंने हैविंग बना दिया. जैसे ही आप जेरंड बनाते हो ना किसी भी चीज़ को, आईएनजी लगाते हो किसी वर्ब के आगे, वो बन जाती है नाउन. अब फिर से बन गया नाउन, तो फिर से मैंने निकाल दिया टू इन्फिनिटिव. तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैविंग अ कार नहीं, अब आई कैन नॉट अफोर्ड हैविंग अ कार. ये छोटे छोटे ग्रामरी कंसेप्ट हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको एडिटोरियल्स के अंदर साथ ही साथ जितना हो सके बता सकूँ. चलिए बढ़ते हैं आगे. इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है क्या? टू फॉल आउट, अब ये वर्ब है इसलिए टू इसने यूज़ किया है. फॉल आउट क्या होता है? फॉल मतलब गिरना, आउट मतलब बाहर, तो बाहर निकलना. इंडिया अफोर्ड नहीं क्या कर सकता है? बाहर निकलना अफोर्ड नहीं कर सकता है. क्या? ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशन. जो निगोशिएशन चल रही है ना, बातचीत चल रही है, निगोशिएशन किस चीज़ पे? फ्री ट्रेड पे. व्यापार ऐसा जो कि फ्री हो, व्यापार ऐसा जिस पे कोई टैक्स नहीं लगे, ऐसा एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट के ऊपर जो चल रही है डिस्कशन, उससे बाहर होना, उससे बाहर निकलना. तो इंडिया को अफोर्ड नहीं करना है ऐसी डिस्कशन से बाहर आना, डिस्कशंस का पार्ट बने रहना, उसको कहने का मतलब ये. तो कह रहा है लीडर्स ऑफ 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस. देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस मतलब आसियान. देखिए कह रहा है लीडर्स जो हैं इस 10 मेंबर आसियान के एसोसिएशन के हैव. देखिए यहाँ पे हैव लगाया इसने, तो सब्जेक्ट जो है ना इसका एक्चुअल में लीडर्स हैं, आसियान नहीं है सब्जेक्ट.
आशियान जो है एक जो अपने आपके अंदर एक ग्रुप है, इसके लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हैव ना यूज़ करके हैज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है, सिंगुलर है, सिंगुलर ग्रुप की तरह, एक पूरे ग्रुप जो है अकेला एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है ना, सिंगुलर चीज़ की तरह है, सिंगुलर नाउन की तरह है, तो आपको यूज़ करना होता है हैज़। तो अब यहाँ आपने यूज़ किया हैव, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि इसका सब्जेक्ट जो है वो लीडर्स हैं, तो इन लीडर्स ने हैव क्या किया, रिसाउंडिंगली कमिटेड, कमिट करना आप जानते हैं ना, वादा करना, भरोसा दिलाना, इन्होंने कमिट किया है, इन्होंने वादा किया है, कैसे किया वो रिसाउंडिंगली, एक री मतलब फिर से, साउंड मतलब आवाज़, गूंजते हुए, गूंजते हुए मतलब जैसे मैंने कुछ बोला वैसी आवाज़ सामने से भी आई, तो दोनों की आवाज़ गूंजेगी एक ही आवाज़ के अंदर, रिसाउंडिंगली मतलब एक साथ एक ही आवाज़ के अंदर उन्होंने क्या कमिट किया है, टू कंक्लूड, कंक्लूड करने का, कंक्लूड आप जानते हैं ना किसी चीज़ को पूरा करना, किसको, नेगोशिएशन, बातचीत को, और बातचीत किस लिए, फॉर द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर सी ई पी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, तो इन्होंने गूंज करके एक साथ इस बातचीत के लिए इन्होंने कमिट किया है पूरा करने के लिए, बाय द एंड ऑफ 2019, 2019 के अंत तक, 2019 के आखिर तक, तो ये देखिए बाय इसके साथ लगाया पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑफ 2019। अब जैसे ही आपके पास बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आए ना, जैसे मैं बोल दूँ बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ डे, मतलब उस समय तक, उस टाइम के, जब वो टाइम पूरा होगा ना, उस तब तक जो है हमें काम कोई कर लेना है, जैसे ही आपके पास इस तरह का कोई डेट, टाइम या ईयर आए बाय के साथ, उसका मतलब होता है उस टाइम तक। अब यहाँ पे टाइम, इसने जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया है वो दिया एंड ऑफ 2019, मतलब दिसंबर के एंड तक, तो ये दिसंबर के एंड तक इन्होंने कमिट कर दिया कि हम जो है मिल करके एक साथ एक ही आवाज़ में इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम इस नेगोशिएशन को पूरा कर लेंगे, जो आरसीईपी का जो फॉरन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम बना देंगे। सम लाइक द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर वेंट अ स्टेप फर्दर, सम लाइक कुछ ऐसे, सम मतलब कुछ, लाइक मतलब कैसे, कैसे कैसे, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जैसे उन्होंने क्या किया, वेंट अ स्टेप फर्दर, चले गए, वेंट एक स्टेप, एक कदम फर्दर आगे, वो एक कदम और आगे चले गए, कैसे, सजेस्टिंग, ऐसा सजेस्ट करते हुए उन्होंने एडवाइस दी ऐसी, दैट कंट्रीज नॉट रेडी टू ज्वाइन आरसीपी, कि कंट्रीज, देश जो कि नॉट रेडी, अभी तैयार नहीं है ज्वाइन करने के लिए, मिलने के लिए आरसीपी में, नोटेबली इंडिया, खास करके इंडिया, नोटेबली मतलब जिस चीज़ को आप जो है नोट करना ही पड़ेगा आपको, नोट वर्दी है जो, खास करके इंडिया, बट ऑल्सो, और भी कौन कौन है, बट ऑल्सो इसके साथ 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 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये तीन कंट्रीज़ की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये कंट्रीज जो कि अभी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है, कुड ज्वाइन अ लेटर डेट, वो एक दूसरी किसी डेट पर ज्वाइन कर लें, लेटर डेट का मतलब क्या है, आज नहीं तो तुम 10 महीने बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपका मन हो तब आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, इससे होगा क्या, अलाउइंग अ ट्रंकेटेड 13 मेंबर आरसीपी टू गो अहेड, तो मतलब आप जो है अगर आप नहीं करना चाह रहे हो ना ज्वाइन, तो आप बाहर निकलो, और जो बाकी जो ज्वाइन करके बैठे हैं उनको काम कर दें, तो बात भी सही है इनकी, तो अलाउ करें, अलाउइंग मतलब आज्ञा दें वो काम करने की, किसको, ट्रंकेटेड 13 मेंबर आरसीपी, तो आरसीपी की जो कि 13 मेंबर में कांट छांट हो गई है, देखिए वैसे हैं 16 मेंबर, 10 मेंबर आसियान के और 6 मेंबर जो हैं जो जिनके साथ आसियान का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 16 में से 3 निकाल दिए इसने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो बचे 13, अब ये कांट छांट वाली आरसीपी होगी, मतलब टूटी फूटी, तो उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड, तो कटी छटी जो आरसीपी है ना उसको गो अहेड, आगे जाने की अलाउ करें, तो ये देखिए पूरी लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हुआ कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला एक स्टेप आगे चले गए, एक कदम आगे बढ़कर के उन्होंने बोल दिया कि जो कंट्रियाँ अभी ज्वाइन नहीं करना चाहती है, खास करके इंडिया और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो फिर कभी ज्वाइन कर लें जब उनका मन हो, और अभी आरसीपी को, जो कांट छांट भरा आरसीपी है, टूटा फूटा 13 मेंबर का, उसको आगे जाने की इजाज़त दें। अदर्स इंसिस्ट, अब देखिए ये तो मलेशिया ने बोला, अदर्स मतलब अब दूसरों की बात कर रहा है, उन्होंने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मतलब जोर देना, दैट ऑल 16 मेंबर्स मस्ट अग्री, वो कह रहे हैं कि ये 13 वाली बात मत करो आप, ऑल 16, सब के सब 16 मेंबर को मस्ट एग्री, एक साथ उनको समझौता करना ही चाहिए, अग्री होना ही चाहिए ऑन द फाइनल आरसीपी डॉक्यूमेंट, जो फाइनल आरसीपी डॉक्यूमेंट, जो हम कागज़ बनाएंगे ना, दस्तावेज जो फाइनल होगा उसके ऊपर अग्री करना ही चाहिए, मतलब 16 के 16 को हमें साथ लेकर के चलना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं या उनके कुछ इश्यूज हैं उनको हम क्लियर करें और फिर सब 16 को आगे लेकर के चलें, ये अदर्स ने ऐसा इंसिस्ट किया है। तो इट इज़ क्लियर दैट आसियान, अब ये क्लियर है, बड़ा साफ है, दैट आसियान, जो आसियान है, विच फर्स्ट प्रमोटेड द आरसीपी आइडिया इन 2012, तो देखिए विच मतलब जिसने, फर्स्ट मतलब पहली बार, प्रमोटेड मतलब प्रमोट किया, प्रमोट करना आप जानते हैं ना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को आगे लेकर के आना, जो पहली बार सपोर्ट करने आया था किसको, आरसीपी के आइडिया को, इस ख्याल को, और कब, 2012 में।
अब वो क्या इज़ पुटिंग प्रेशर। देखिए यहाँ पे अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है कि दैट आशियान इज पुटिंग प्रेशर, समझ रहे हो मेरी बात को, आशियान इज़ पुटिंग प्रेशर। अब ये विच लगा के सब बताया ना, ये तो आशियान की बातें कर रहा है, ये उसकी डिटेल दे रहा है, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको। एक्चुअल में आशियान इज़ पुटिंग प्रेशर, और क्यों पूछे पुटिंग प्रेशर, देखिए आशियान है तो यहाँ पे इज लगाया, आशियान इज़ ए ग्रुप एज अ सिंगुलर एंटिटी सिंगुलर नाउन, तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हेल्पिंग में इज़। तो आशियान क्या पुट कर रहा है प्रेशर को, क्या दबाव बना रहा है ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, सब स्टेक होल्डर्स पर दबाव बना रहा है। वो स्टेक होल्डर कौन होते हैं, भागीदार हितधारक, मतलब ऐसे लोग जो किसी काम से, जो सब पार्टियां जो कंसर्न है ना, वो सब होती हैं स्टेक होल्डर्स, जो कि होल्ड करती हैं एक स्टेक। क्या कर रहा है उनको दबाव किस चीज़ का, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए द लास्ट माइल नेगोशिएशंस, बातचीत है जो लास्ट माइल की। देखिए लास्ट माइल क्या होती है, अभी क्या हमने 90% काम कर लिया, 10% काम रह गया, अब 10% काम जो है हमारा लास्ट माइल है, मतलब आखिर तक का जो ख़त्म हो जाएगा जिसके बाद सारा रास्ता। लास्ट माइल कौन सा, ये मील बोलते हो ना हिंदी में, 2 मील 5 मील की दूरी, ये लास्ट माइल है। अंग्रेजी में इसको माइल बोलते हैं, हिंदी में अपने उल्टा बना देते हैं चीज़ों को, मील कर देते हैं। तो ये लास्ट माइल जो है ना, आखिरी जो मील है ना, वो भी चलें हम आगे तक, काम को पूरा करें, मंजिल तक पहुँच जाएँ, ये प्रेशर बना रहा है आशियान। बड़ा क्लियर है, साफ साफ है देखने में। द आशियान समिट, देखिए समिट आपको मैंने कई बार बताया, शिखर सम्मेलन, टॉप मीटिंग, जो आशियान की टॉप मीटिंग है ना, समिट है, विच एंडेड इन बैंकॉक ऑन संडे। अब इसी संडे को वो एंड हुई है, इसी संडे को वो कंक्लूड हुई है बैंकॉक के अंदर। अग्रीड टू सेंड अ 3-member डेलीगेशन, देखिए अब यहाँ पे फिर से अग्री, अब इसके साथ में सब्जेक्ट कौन सा है, आज अपने यही करेंगे इस एडिटोरियल में, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ऐसे सेंटेंसेज में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका आशियान सबमिट, अब ये विच लगा के इसने सिर्फ ये बताया कि सबमिट है क्या, ये सबमिट हुई कब थी। तो आशियान सबमिट हैज अग्रीड टू सेंड अ 3-member डेलीगेशन, तो वो अग्री हुई क्या सेंड करने के लिए, भेजने के लिए 3-member के डेलीगेशन को। डेलीगेशन क्या होता है, एक प्रतिनिधिमंडल, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। डेलीगेशन का मतलब है हमारे 3 special officer 4 special officer, डेलीगेशन में 3 या 4-5 लोग होते हैं, वो आपके पास आएंगे और जो काम हम करना चाहते हैं वो करके जाएंगे। तो उन्होंने 3-member का एक स्पेशल ऑफिसर्स की एक स्क्वाड को, डेलीगेशन को भेजा है टू न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के पास, इसलिए टू टेक फॉरवर्ड द टास्क, जो टॉक्स है ना, जो बातचीत है उसको टेक ले जाने के लिए फॉरवर्ड आगे, जो इंडिया जिस चीज़ पे फंसा है ना उस चीज़ पे आगे, उसको इंडिया को ले जाने के लिए 3 members का स्पेशल ऑफिसर का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप भेजा है, डेलीगेशन इसने भेजा है। RCEP includes, अब देखिए RCEP जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये आर्टिकल में खुद भी बताया गया है, RCEP क्या है, RCEP में इंक्लूड है, शामिल है आशियांस FTA पार्टनर्स, आशियान के FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। तो ये कौन कौन है, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 6 लोग हैं, 10+6 ऐसे हुए हैं 16। तो ये कह रहा है आसियान में क्या क्या इंक्लूड है, आसियान के फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स, ये 6 countries, एंड द FTA वुड एनकम्पास 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। FTA जो है ना, ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, ये वुड एनकम्पास, एनकम्पास मतलब दायरे में ले लेगा, ये घेरे में ले लेगा, इसमें क्या शामिल है, 40% सारी दुनिया का, ग्लोबल सारी दुनिया का ट्रेड, इस FTA के अंदर सारी दुनिया का 40% ट्रेड आ गया, ये इतना बड़ा FTA। अमंग इकोनॉमीज, और ये कौन सी इकोनॉमीज के बीच में FTA, अमंग उन इकोनॉमीज के बीच में है। देखिए अमंग आपको पता है ना, व्हेन देयर आर मोर देन 2 actors यू यूज अमंग, अगर आप 2 लोगों के बीच में बात कर रहे हो देन यू यूज बिटवीन, और अगर आप 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बात कर रहे हो यू से अमंग। तो अमंग इकोनॉमीज, क्योंकि 16 economies है, दैट मेक अप 1/3 ऑफ ग्लोबल GDP, जो मेकअप बना देती हैं 1/3, तीसरा हिस्सा पूरी दुनिया की ग्लोबल GDP का। तो ये FTA क्या है, ये तो है जिसमें ऐसी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं जो दुनिया की GDP का 1/3 उनका GDP है, और दूसरा ये FTA पूरी दुनिया के 40% जो ट्रेड है ना उसको ये अपने दायरे में ले लेता है। इंडिया हैज़ बीन कीन टू ज्वाइन, देखिए कीन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ के लिए बड़े इच्छुक हो, बड़ी इच्छा करते हो आप, रजामंदी रखते हो आप करने के लिए किसी काम को, तो वो होते कीन। तो इंडिया बहुत कीन है ज्वाइन करने के लिए, बड़ी इच्छा है इंडिया की भी ज्वाइन करे इसको RCEP को, बट 6 years इंटू द नेगोशिएशन, लेकिन 6 साल इंटू द नेगोशिएशन मतलब negotiations के अंदर इट्स कंसर्न्स रिमेन, कोमा लगा के क्या कह रहा है, आज भी इसके कंसर्न्स जो चिंताएं हैं वो रिमेनिंग है, बाकी हैं। अब क्या है चिंता, इसने लगा दिया कॉलन। देखिए जब भी पंचुएशन मार्क देखेंगे ना, कॉलन, ये दो आप जो डॉट्स देखते हो ना, इसके बाद क्या होता है, पिछले सेंटेंस की डिटेल्स होती हैं, याद रखना इस चीज़ को, कॉलन के बाद पिछले सेंटेंस की सारी डिटेल्स डालता है वो।
तो इस कॉलम के बाद इसने कंसर्न्स बता दिए इसके, क्या है, ओपनिंग इट्स मार्केट फॉर चीपर गुड्स, ओपन करना, खोल देना इसके बाज़ारों को किसके लिए, चीपर गुड्स के लिए, सस्ते सामान के लिए। खोल देने का मतलब क्या है, बाज़ार के अंदर सस्ते सामान की एंट्री को जो है अलाउ करना। कहाँ से, फ्रॉम कंट्रीज, ऐसे देशों से लाइक जैसे कि चाइना एंड साउथ कोरिया। तो पहला कंसर्न तो इसका ये है कि मार्केट्स को खोलना नहीं चाहता है सस्ते सामान के लिए चाइना और साउथ कोरिया से। देखिए अभी भी सामान इंडिया में आता है चाइना साउथ कोरिया से, सस्ता सामान आता है, पर मार्केट्स में अभी जो मार्केट्स के अंदर कई बैरियर है उनके लिए। अभी भी अगर आप इंडिया अगर मार्केट्स को और ज़्यादा खोले ना, तो चाइना और साउथ कोरिया से और भी ज़्यादा माल जो है और सस्ते दामों पर इंडिया में आने लगेगा। तो ये तो है इसका पहला कंसर्न, क्योंकि इससे क्या होगा, लोकल ट्रेडर्स जो हैं उनका माल कोई लेगा ही नहीं, सब चाइनीज़ फ़ोन लेंगे, सब चाइनीज़ जूता पहनेंगे। तो ये इसका पहला कंसर्न है। और दूसरा क्या है, इंश्योरिंग दैट आरसीईपी कंट्रीज़, दूसरा क्या, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, पक्का करना कि आरसीईपी कंट्रीज़ जो है ना वो ओपन करें, वो खोल दें देयर मार्केट्स फॉर इंडियन मैन पावर, अपनी मार्केट्स को इंडिया की मैन पावर के लिए। मैन पावर कौन है, इंडिया के लोग। ब्रैकेट में लिखा है इसने सर्विसेज, तो ये सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, ये आईटी सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उस सेक्टर की बात कर रहा है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, जिसमें आप कोई सर्विस देते हो, जिसमें आप कुछ सामान नहीं बेचते हो, आपको जैसे आप मजदूर है ना, वो मजदूर सर्विस सेक्टर का पार्ट है, वो सर्विस देता है अपनी, वो सुबह जाता है काम करता है, शाम को घर आ जाता है, कोई सामान लेके नहीं जाता वो साथ में, जो लेके जाता है वो घर ले आता है वापस। तो सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया की मैन पावर के लिए जो है आरसीपी कंट्री जो है वो अपना अपना बाज़ार खोलें, और इंडिया नहीं चाहता खोलना अपना बाज़ार चाइना और साउथ कोरिया के चीपर गुड्स के लिए, जिनकी क्वालिटी भी कम होती है और बड़े सस्ते हैं, लोकल बिजनेसेस के लिए बड़े घातक हैं, बड़े डेंजरस हैं। इंडिया एज ए ट्रेड डेफिसिट विद एज मैनी एज 11। मैं थोड़ा इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इतना इस एडिटोरियल इतना लायक नहीं है इसको इतना फोकस दें हम, ऐसे एडिटोरियल्स को तो अपने को झट से देख लेना चाहिए एक नज़र के अंदर क्या है इनके अंदर, और अच्छे अच्छे वर्ड्स उनको निकाल लेना, स्ट्रक्चर्स को समझ लेना है। तो इंडिया के साथ एक ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया के पास एक ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, देखो आपके इंपोर्ट्स माइनस में एक्सपोर्ट्स कर दूँ मैं एक पर्टिकुलर कंट्री से, कैसे, मान लो इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान आपस में 500 रुपये का व्यापार करते हैं, इंडिया ने 500 रुपये का माल पाकिस्तान से लिया, बदले में 450 रुपये का माल पाकिस्तान को भेजा, तो इंडिया ने क्या है, नेट इंपोर्टर हो गया पाकिस्तान से, 500 रुपये का लेकर के 450 का दिया, तो मतलब 50 रुपये का माल इंडिया ने लिया है पाकिस्तान से। एक्चुअल में इसको बोलेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार के अंदर कमी है, घाटा है, आपने 500 का माल तो ले लिया और 450 का दिया, तो 50 रुपये का आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो जो आप इंपोर्ट्स आपके जो ज़्यादा होते हैं ना किसी कंट्री से, वो बन जाते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया के पास ट्रेड डेफिसिट है विद एज मनी एज मतलब कितने, 11 ऑफ द आरसीपी कंट्रीज, तो 16 में से 11 के साथ जो है ना इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। 16 में से 11 कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट्स ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स कम करता है, एंड इट इज़ द ओनली वन अमंग देम दैट इज़न्ट नेगोशिएटिंग। अब इट इज़ कौन, इंडिया ही है ओनली वन, केवल एक अकेला ऐसा अमंग इन सब के बीच दैट इज़न्ट नेगोशिएटिंग, जो निगोशिएट नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, इज़न्ट। देखिए ये इज़न्ट का मतलब क्या होता है, इज़ नॉट का एब्रीविएशन है ये, जो निगोशिएट नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, अब बाइलेटरल और ए मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना एट प्रेजेंट। अब बाइलेटरल, देखिए बाई मतलब दो, लेटरल मतलब पक्ष, दो पक्षों वाला, दो तरफा, मल्टी और लेटरल ऐसे ही बनेगा, कई पक्षों वाला मतलब कई तरफा, जो अभी भी एक दो तरफा और कई तरफा फ्री ट्रेड बिना किसी टैक्स के व्यापार का एग्रीमेंट चाइना से अभी एट प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इंडिया कह रहा है 11 कंट्रीज से इसका ट्रेड डेफिसिट है, और ये अकेली एक ऐसी कंट्री है जो चाइना से आज भी कोई व्यापार के लिए समझौता नहीं कर रही है, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल, बाकी सब कर रही हैं आपस में, इंडिया नहीं कर रहा चाइना से। अब देखिए एज ए रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या है इस चीज़ का नतीजा ये है, ऑल्दो निगोशिएटर्स हैव अग्रीड टू न्यू दिल्ली डिमांड, तो निगोशिएटर जो है ना वो अग्री हो गए हैं, वो मान गए हैं नई दिल्ली की उस डिमांड से, और डिमांड क्या है, फॉर डिफरेंशियल टैरिफ्स फॉर इट्स फ्री ट्रेड विद चाइना। तो डिफरेंशियल टैरिफ्स के लिए, डिफरेंट मतलब अलग, डिफरेंट जानते हैं ना यार, ये इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंट है, जो आप वर्ड यूज़ करते हो वही है डिफरेंशियल, उसी से बना है, डिफरेंशियल होता है अलग जिसमें फ़र्क हो, और टैरिफ होता है टैक्स की रेट। तो निगोशिएटर मान गए हैं इंडिया की जो डिमांड है ना कि हमारा अलग टैरिफ रेट हो अपने ट्रेड के लिए चाइना के साथ हमारा जो है अलग, जो ट्रेड का जो है हमारा अलग जो टैरिफ हो, इस चीज़ को तो मान गए हैं। आगे कह रहा है विजुवी, देखिए ये विश अविश देखते हो ना, कई जगह देखते हो, इसको बोलते हैं विजुवी। अब विजुवी क्या है, फेस टू फेस, विजुवी, विज मतलब फेस, किसी अलग लैंग्वेज का ये, फेस टू फेस क्या है, अलग से द अदर्स।
ये कह रहा है कि इंडिया की डिमांड है अलग टैरिफ हो ट्रेड के लिए चाइना के साथ, फेस टू फेस अगर करें अलग दूसरी कंट्री से, मतलब दूसरी कंट्री से तो फ्री है, उसके सामने चाइना से है इसका अलग टैरिफ। तो ये तो डिमांड है न्यू दिल्ली की, ये तो मांगे हैं, मान गए हैं ये। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड टैगिंग, अब इंडिया ने ऑल्सो मेड और भी बना दिया है, साथ ही साथ क्या बना दिया है, टैगिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन। टैग करना, टैग करना क्या होता है, निशान लगाना। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या जैसे आपको टैग किया जाता है ना यार, आपके सूटकेस को टैग कर देते हैं कि ये आपका सूटकेस है, आपको उसका एक टैग के साथ में एक आपको एक निशानी भी दे देते हैं। तो ये टैग करने का मतलब क्या है कि उसकी निशानी लगाए इंडिया, इंडिया करे कि हर कंट्री अपने माल पे निशानी लगाए, कैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन की, कहाँ से उस माल को बनाया गया है, उस चीज़ का एक टैग हो हर सामान के ऊपर, ऑन ऑल प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये बन गया स्टिकिंग पॉइंट इन RCEP नेगोशिएशन। स्टिकिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए स्टिक मतलब चिपकना, पॉइंट मतलब ऐसा डॉट बिंदु, ऐसी चीज़ जिस पे सब चीज़ें अटक गई हैं, ऐसा मसला जहाँ पे बातचीत जो अटक जाए उसको बोलते हैं स्टिकिंग पॉइंट। अब ये बन गया स्टिकिंग पॉइंट RCEP की नेगोशिएशंस के अंदर। तो सारी मांगे मान ली इंडिया की, पर ये जो मांग कर रहा है ना इंडिया कि हर सामान के ऊपर टैग लगे कि उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ये बन गया स्टिकिंग पॉइंट इस RCEP की टोटल नेगोशिएशंस के दौरान। डिस्पाइट इट्स मिस गिविंग, देखिए मिस गिविंग्स क्या होती हैं, मिस मतलब गलत, गिविंग मतलब देना, मतलब आपकी गलतफहमी, आपका डर, आपका संदेह, आपका डाउट्स। डिस्पाइट मतलब बावजूद, बावजूद इसके संदेह के, बावजूद इसके डर के, बावजूद इसके डाउट्स के, हाउएवर हालांकि द गवर्नमेंट हैज़ रीआइट्रेटेड, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है, वो हैज़ कर चुकी है रीआइट्रेट। रीआइट्रेट मतलब बार बार दोहराना किसी चीज़ को, बार बार एक ही चीज़ को कहते हो ना आप जो दोहराते हो उसको बोलते हैं जपना, किसी चीज़ को रीआइट्रेट करना। तो गवर्नमेंट एक ही चीज़ जप रही है, एक ही बात बार बार दोहरा रही है, दैट इट इज़ कमिटेड, ये कमिटेड है टू मेक RCEP वर्क, RCEP को मेकिंग करने के लिए, बनाने के लिए वर्क, मतलब RCEP को काम करवाएगी, RCEP जो है उसको बनाएगी, उसको बनाने में हेल्प जरूर करेगी, ये कमिट कर रही है। एंड एनी अटेम्प्ट टू कट इंडिया आउट ऑफ द एग्रीमेंट, तो कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश जो कि कट कर देगा इंडिया को आउट ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट से बाहर, जो काट के इंडिया को बाहर कर देगा, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट जो है वो था एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, प्रीमेच्योर क्या होता है, समय से पहले, जिस चीज़ पे पूरा आप सोच विचार नहीं करते हो ना, जिस चीज़ को बिना सोचे समझे कर देते हो, वो होती प्री मेच्योर। तो ये कह रहा है कि इंडिया जो है बार बार दोहरा रही है कि हम आज भी कमिटेड हैं RCEP के अंदर काम करने के लिए, और कोई भी अटेम्प्ट अगर कोई भी कंट्री ऐसा करती है ना इस एग्रीमेंट से हमें बाहर करने का, ये बहुत एक्सट्रीमली प्री मेच्योर बात हो जाएगी, बड़े बच्चेपने वाली बात है अगर हमें आप बाहर कर देते हो तो। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगले कुछ 6 महीनों में, कुछ महीनों में इंडिया विल बी एक्सपेक्टेड, इंडिया से क्या आशा की जाती है, देखिए इंडिया विल बी एक्सपेक्टेड पैसिव फॉर्म है, यहाँ पे मैं लिख देता इंडिया विल एक्सपेक्ट या इंडिया विल बी एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता। अब यहाँ पे इसने ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है इसने विल बी एक्सपेक्टेड, निशानी क्या है आपकी, विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, इसने थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगा के क्या बनाया है कि इंडिया से क्या आशा की जा रही है, इसको बोलते हैं पैसिव। तो इंडिया से आशा ये की जा रही है, एक्सपेक्टेशन ये है टू कीप अप द इंटेंस नेगोशिएशन, वो कीप अप करे, कीप मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, किसी चीज़ को आप ऊपर करके रखते हो ना अपने हाथ में, मतलब बनाए रखते हो, आप किसी चीज़ के साथ लड़ते रहते हो, संघर्ष करते रहते हो, उसको बोलते हैं कीप अप, जैसे बोलते हैं ना कीप अप द गुड वर्क, बनाए रखें अच्छे काम को। तो ये बनाए रखेगा इंटेंस नेगोशिएशंस को, नेगोशिएशंस बातचीत, और इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें इंटेंसिटी हो, तो बड़ी इंटेंसिटी वाली, बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है बातचीत को बनाए रखेगा। इस ऐसी कुछ जो है एक्सपेक्टेशन इंडिया से की जा रही है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। और कह रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गिव अ क्लियर इंडिकेशन बोथ इंटरनली, देखिए गिव अ क्लियर, साफ साफ दे, क्लियर साफ साफ, गिव मतलब देना, इंडिकेशन, इंडिकेशन होता है साइन, संकेत, साफ साफ एक संकेत, एक साइन देगा ये बोथ इंटरनली एंड टू द वर्ल्ड, दोनों को, इंटरनली मतलब अंदर और टू द वर्ल्ड मतलब बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और देश के और बाहर देश के, दोनों तरफ ये साइन देगा दैट इट इज़ ज्वाइनिंग RCEP, कि ये ज्वाइन कर रहा है RCEP को। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि इसकी छवि खराब हो रही है, इसकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी पूरी दुनिया में। आगे कह रहा है टू दैट एंड, इस काम के लिए, देखिए दैट एंड मतलब इस मंजिल को पाने के लिए, इस काम के लिए, एंड मतलब मंजिल, मंजिल को पाने के लिए द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ बिगन कंसल्टेशंस। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दी है, बिगिन मतलब शुरू और हैज़ लगा करके थर्ड फॉर्म बना दी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने शुरू कर दी कंसल्टेशन बातचीत, किससे, स्टेक होल्डर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अब उन स्टेक होल्डर से जो कि इंडस्ट्री के अंदर है,
जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे एक तो शुरू कर दी है, जो कि डैट आर मोस्ट वरीड अबाउट आरसीपी, जो कि सबसे ज़्यादा वरीड है, सबसे ज़्यादा परेशान है आरसीपी के लिए। एक तो उनसे बातचीत, अब इसमें इंक्लूडिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम, इसमें इंक्लूड क्या क्या है, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ा इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री होती है जो कपड़ा बनाती है, उसको बोलते हैं टेक्सटाइल। और क्या है, फार्मास्यूटिकल, दवाओं की इंडस्ट्री, फार्मा मतलब दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा बनाने वाली इंडस्ट्री। हैज़ इंगेज्ड, अब देखिए एंड, ये काम करने के बाद इसने दूसरा एक काम और किया, इन सब से बातचीत शुरू की है, उसके बाद इसने एक काम और क्या किया है, वो इंगेज भी कर चुकी है, काम पे लगा दिया उसने, इंगेज कर दिया है किसको, थिंक टैंक्स को। देखिए थिंक टैंक क्या होते हैं, ऐसे टैंक्स जो थिंक करें, ऐसे लोग जो बातचीत, जो सोचने में बड़े माहिर हों, थिंक टैंक होते हैं वो, मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन है, बड़ी चीज किसी भी चीज़ को गहरे से सोच सकते हैं। तो उसने इंगेज भी कर दिया ऐसे थिंक टैंक्स को, ऐसे लोगों को जो गहरे से सोच सकते हैं, एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को, जो आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जैसे IIMs हैं, जो आपके IITs हैं, जो भी मैनेजमेंट जो कोर्सेज करवाते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको विकास विकसित करने के लिए एक कंसेंसस। कंसेंसस क्या होती है, आम राय, ऐसी चीज़ कंसेंसस होती है जिस पर सबकी सहमति हो, सबकी रजामंदी हो, एक रजामंदी वाली राय डेवलप करने के लिए सबको काम पर लगा दिया है, इन फेवर ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट, उसके फेवर में, इसके पक्ष में, किसके साइन करने के, रीजनल एग्रीमेंट को। तो इंडिया क्या कर रहा है, बड़ा वरीड है, इसने इसी काम के लिए कंसल्टेशन कर रहा है सब इंडस्ट्री के हितधारकों से, सब व्यापारियों से, इन सब इंडस्ट्री से, इन सब इंडस्ट्री से, और साथ में इसने काम पे लगा दिया थिंक टैंक्स को, सोचने वाले लोगों को और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को, कि वो डेवलप करें एक आम राय इसके फेवर में, इस एग्रीमेंट के। गिविंग अप द चांस टू ज्वाइन आरसीपी, देखिए गिव अप क्या होता है, आप बोलते हो ना मैंने हार मान ली, आई गिव अप, गिव अप मतलब हार मान लेना, जाने देना, गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर, आप ले लो मेरे को नहीं चाहिए, गिव अप कर देना मतलब जाने देना इस चांस को, इस मौके को, और मौका है टू ज्वाइन आरसीपी, आरसीपी को ज्वाइन करने का। वुड मीन, उसका मतलब क्या होगा, इंडिया वुड नॉट जस्ट मिस आउट ऑन रीजनल ट्रेड, इंडिया वुड नॉट जस्ट, इंडिया ना केवल मिस आउट करेगा रीजनल ट्रेड पे, मिस आउट करने का मतलब जानते हैं ना, खो देगा, इंडिया ना केवल रीजनल ट्रेड को करने का मौका खो देगा, बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखी होगी, तो ना केवल वो बल्कि ये भी, लूज़ द एबिलिटी टू फ्रेम, उस एबिलिटी को लूज़ कर देगा ये, लूज़ करना मतलब जाने देना, एबिलिटी मतलब काम करने की ताकत, उस कैपेसिटी को ये लूज़ कर देगा, जाने देगा, फ्रेम करने की, फ्रेम मतलब बनाने की, द रूल्स, नियमों को, रूल्स को, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टमेंट के, निवेश के स्टैंडर्ड्स को, फॉर द ग्रुपिंग, पूरे ग्रुप के लिए, मतलब दो चीज़ें खो देगा ये, पहला तो ये है कि इसका रीजनल ट्रेड जो है वो महंगा चलेगा, ये मिस आउट कर देगा इस अपॉर्चुनिटी को रीजनल ट्रेड की सस्ते में, और दूसरा ये लूज़ कर देगा इस एबिलिटी को जिसमें ये रूल बना सकता है पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, आसियान के लिए, नेतागिरी करके, और इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड्स को भी सेट कर सकता है कि यार यहाँ पे मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे देश के अंदर, मेरी कंट्री के अंदर मुझे इस कंट्री से कम इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये स्टैंडर्ड्स को भी खो देगा बनाने की, मौके को खो देगा इस पूरे ग्रुप के लिए। आगे करें, अबव ऑल, सबसे ऊपर, अबव मतलब सब, ऑल मतलब ऊपर, तो सबसे बड़ी बात ये है, अबव ऑल मतलब सबसे बड़ी बात, एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, एट अ टाइम, ऐसे एक समय पे, और समय कौन सा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का, अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनिश्चितता, कुछ भी हो सकता है ना, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, नथिंग इज सर्टेन, सब कुछ जो है होने की, किसी भी चीज़ की होने की संभावना है, तो ऐसा एक टाइम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल, जिसमें चल रही है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, एंड चैलेंजेस टू मल्टीलेटरलिज्म, और चैलेंजेस हैं, बड़े चुनौतियां मिल रही है मल्टीलेटरलिज्म को। देखिए मल्टीलेटरलिज्म, आपने ऊपर देखा था मल्टीलेटरल, मल्टी मतलब कई सारे, लेटरल मतलब पक्ष, तो मल्टीलेटरलिज्म क्या हुआ, जब बहुत सारे पक्ष, कई सारे फर्म्स, कई सारे नेशंस आपस में कोऑपरेशन करते हैं ना, आपस में सहयोग करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। अब इसको आज चल रही है चुनौती, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर कि 10-5 देश आपस में मिलकर के बातचीत करने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसा टाइम है, तो ये सबसे ऊपर अबव ऑल बोल रहा है, ऐसे टाइम के अंदर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, देखिए चैलेंजेस किसको है, एक तो मल्टीलेटरलिज्म को और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक ऑर्डर को। इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होता है, फाइनेंशियल पिक्चर, आर्थिक तस्वीर, तो एक नेगेटिव मैसेज ऑन आरसीपी वुड अंडरमाइन इंडियाज प्लान, तो ऐसे एक टाइम में एक नेगेटिव मैसेज, एक नकारात्मक संदेश, नेगेटिव मैसेज आरसीपी के ऊपर वो क्या करेगा, वुड करेगा अंडरमाइन, कमजोर बनाएगा इंडिया के प्लान को, और प्लान का एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक रूप से ग्रो करने के, आगे बढ़ने के। देखिए पूरी लाइन का मतलब फिर से देख लेते हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा टाइम
जब कुछ भी पक्का नहीं है पूरी दुनिया में, और कोई भी मल्टी लिटरलिज्म के लिए बड़े चैलेंजेज हैं, चार पांच देश एक साथ आकर के बैठ नहीं सकते, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में भी चैलेंजेज आ रहे हैं, पूरी दुनिया की आर्थिक तस्वीर जो है, ग्रोथ की जो पिक्चर है वो बड़ी ख़राब दिख रही है। एक नेगेटिव मैसेज अगर इंडिया ने दे दिया आरसीईपी पे कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये करेगा इंडिया के कमज़ोर बना देगा प्लान्स को जो उसने योजनाएं बनाई हैं इकोनॉमिक ग्रोथ करने की, जो आगे चाहता है ये इकोनॉमी फाइनेंशियली ग्रो करे। बड़ा इजी एडिटोरियल था, मुझे एक्सपेक्टेड है आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और वास्तव में आया हो तो एक लाइक देना वीडियो को, अपने कोई डाउट्स हो कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, फर्स्ट एडिटोरियल से रिलेटिवली वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज शाम तक। फिर से मुलाकात होगी कल सुबह के अखबार के साथ। वोकैबुलरी पे हम स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं, लास्ट संडे भी हमने बनाई थी, फिर से बता रहा हूँ नए व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को भी ज्वाइन अभी आजकल में ज्वाइन किया है, वोकैबुलरी की स्पेशल वीडियोस हम बनाते हैं जहाँ पे वोकैबुलरी को याद करने का कोशिश करते हैं, तो लाइफ टाइम संडे की वीडियो है उसको जाकर के चेकआउट करें। इस संडे को फिर से नया उसका पार्ट टू हम जो लेकर जाने वाले हैं। फिर से मुलाकात होगी कल सुबह के अखबार के साथ, तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग आउट।